टॉकिंग अबाउट द लॉसेस इन द प्री स्ट्रेस, जब भी तुम मतलब प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हो उसमें क्या क्या लॉसेस आते हैं? एक तो बोल दिया था कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कंक्रीट में जब इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से, स्पेसिफिकली जब प्री टेंशनिंग कर रहे हैं। पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होगा क्योंकि पोस्ट टेंशनिंग आफ्टर कंक्रीट सेट होने के बाद वी आर टेंशनिंग, राइट? After concrete is getting set, then we are tensioning. That's why when you are doing it simultaneously tension, मतलब एक साथ तीन चार वायर को एक साथ simultaneously उसको टेंशन किया जा रहा है ना बाहर से, तो उससे क्या हो रहा है, उससे तुम्हारा जो भी लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अगर एक के बाद एक कर रहे तो पहले का जब भी हम लोग फर्स्ट वायर को जब भी हम लोग टाइटन किया उसको टेंशन दिया उसके अंदर, तो उसके वजह से देर विल बी डिफॉर्मेशन इन द कॉन्क्रीट। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से जब भी देने जाएंगे तो बिकॉज ऑफ द केबल नंबर टू देर विल बी टेंशन इन द केबल नंबर वन। मतलब हर केबल के लिए जब भी केबल वन मतलब जो फर्स्ट हम लोग जिसको टेंशनिंग किया वो तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी टेंशनिंग करने जाएंगे दो सेकेंड टाइम जब भी, तो क्या होगा, दो दो केबल नंबर टू की वजह से वन के ऊपर एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसमें एक लॉस आएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जैसे अगर तुम्हारा कॉन्क्रीट के ये तुम्हारा टेंशनिंग किया जा रहा है, पहले तो खींचा जाएगा बाहर से, है ना? तो वजह से जब तुम अगर साइड से देखोगे अकॉर्डिंग टू लुक लाइक, जैसे देर आर फोर केबल है, तो फर्स्ट केबल जो होल है उसके अंदर जो डक्ट है, एक्चुअली डक्ट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, एक फर्स्ट एंकरिंग करेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से जो एंकरिंग सिस्टम है उससे हम लोग उसको टेंशन मतलब खींचेंगे, है ना, बाहर से। ये फर्स्ट केबल तो हुआ, तो दिस इज लेस केबल वन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, केबल के बात कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादातर मतलब ब्रिज गार्डर्स में देखा जाता है पोस्ट टेंशन, तो इसलिए बोल रहे हैं। तो केबल वन में हो गया फर्स्ट, है ना? उसके बाद केबल वन को टेंशन किया गया, उसके बाद हम लोग सेकेंड मतलब हम लोग सिक्वेंशियली कर रहे हैं, सिक्वेंशियली एक के बाद एक, है ना, नॉट साइमल्टेनियस, नॉट साइमल्टेनियसली, तो एक साथ सब नहीं है, पहले केबल वन देन केबल टू, या फिर केबल वन टू एक साथ, व केबल टू थ्री एक साथ, ऐसे कर। तो केबल वन को जब भी हम लोग उसमें टेंशन दिया उसके बाद कट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग केबल टू के ऊपर केबल नंबर टू के ऊपर टेंशनिंग करें, तो केबल वन की वजह से क्या होगा, केबल वन तो टू को टू नेक्स्ट टाइम जब भी टू के ऊपर कर रहे उसके वजह से देयर विल बी हमारा कॉन्क्रीट थोड़ा सा डिफॉर्म करेगा, कंक्रीट में थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, है ना, दोनों तरफ से जब कर रहे हैं कंक्रीट में जब स्ट्रेन आ रहा है दोनों की वजह से, तो एक तो पहले से ही वो लेंथ जो था वो पहले से सेम लेंथ है, जब भी सेकेंड वाला कर रहे हैं उसमें लेंथ और भी छोटा हो गया, तो केबल वन के वजह से देयर विल बी इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा केबल टू के ऊपर। उसके बाद जब भी केबल थ्री को हम लोग टेंशनिंग कर रहे हैं, केबल थ्री के जब टेंशन करेंगे उसके वजह से केबल वन टू एंड केबल वन में टेंशन हो, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो। सब डिफॉर्मेशन क्या है, कंक्रीट में हो रहा है, इसलिए कंक्रीट का डिफॉर्मेशन विल कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ, इफ यू रिमेंबर, इफ जो लॉस होगा दैट इज द लॉस इन प्री स्ट्रेस इज नथिंग बट द मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग का जो स्टील है लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, सो दिस इज योर मॉड्यूलर रेशियो, दिस इज एफ सी दैट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ, मतलब स्ट्रेस तो एक एक जगह में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट होगा, इस लोकेशन में कितना स्ट्रेस है जहाँ पे स्टील है, कॉन्क्रीट के ऊपर इस लोकेशन में स्ट्रेस कितना है, नॉट ऊपर नहीं टॉप में नहीं मतलब बीच में नहीं न्यूट्रल एक्सिस में नहीं, इस लोकेशन में जो एटलीस्ट
ई लोकेशन में, इसेंट्रिक जो है ना, उस लोकेशन में जो स्ट्रेस आएगा, दैट इज एफ सी, कॉन्क्रीट के ऊपर जो स्ट्रेस आएगा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, दैट इज नथिंग बट ई एस बाई ई सी, स्टील का इलेक्ट्रिसिटी मॉड्यूलर डिवाइडेड बाई द कॉन्क्रीट का इलेक्ट्रिसिटी का डिविजन करने से विल गेट द मॉड्यूलर रेशियो, है ना। मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को प्री स्ट्रेस मिलते हैं। केबल वन, केबल टू के वजह से केबल वन में कितना स्ट्रेस होगा वी हैव टू कैलकुलेट, केबल थ्री की वजह से केबल टू एंड वन में क्या होगा। सो दिस इज द केस ऑफ पोस्ट टेंशन, इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशन एंड जब वायर्स आर सक्सेसिवली टेंशन, जहाँ पे कॉन्क्रीट सेट हो चुका है उसके बाद टेंशनिंग कर लो। और प्री टेंशनिंग तो आफ्टर, मतलब कॉन्क्रीट को बाद में ही, मतलब उसमें ये कर रहे हैं हम लोग, वो तो एक साथ ही इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वी हैव सीन दैट हाउ टू कैलकुलेट द एफपी, दैट इज द लॉस इन स्ट्रेस, इज नथिंग बट ये सेंटर चेंज इन स्टील, स्टील का जो स्ट्रेन में जो चेंज होगा। तो हम लोगों को पता है स्ट्रेन, स्ट्रेन कॉम्पिटिबिलिटी की वजह से ये जो स्टील में जितना भी स्ट्रेन आएगा दैट विल इक्वल टू द कॉन्क्रीट में भी सेम स्ट्रेन आएगा। सो दिस इज सेम, इन प्लेस ऑफ स्ट्रेन यू कैन राइट दैट इज स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट, दिस इज सी फॉर कॉन्क्रीट, सो एफ सी फॉर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई सी, यू कैन राइट ई एस बाय ई सी मल्टीप्लाइड बाय एफ सी, वेयर ई एस बाय ई सी इज नथिंग बट अल्फा ई, दैट इज द मॉडुलस रेशियो, या फिर एम जो भी लिख सकते हो। So that will give you the loss in stress. So let's do a problem, tab ek thoda sa clear ho jayega kaise karte hain. So first to calculate karo, hum logo ka formulation hai alpha e, that is the modular ratio, multiplied by the steel jo that stress in concrete एट द लेवल ऑफ स्टील, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा स्टील पे स्ट्रेसिंग स्टील है उस लेवल पे स्ट्रेस कितना हो रहा है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या है, ई एस बाई ई सी, बट ई एस मतलब 210 किलोमीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो दोनों सेम वैल्यू 31.5 किलोमीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है मॉड्यूलर रेशियो, कैलकुलेट द परसेंटेज लॉ ऑफ, ठीक है, यू विल सी सर 6.66 6.67। तो मॉड्यूलर रेशियो हो गया ए, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एफसी, एफसी फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, और प्रीस्ट्रेसिंग स्टील कहाँ पे, प्रीटेंशन कॉन्क्रीट बीम है तो विच हैज ए मतलब 150 बाय ए डी, बी इज 150 एमएम, डी इज 300 एमएम डेप्थ, 7 मिलीमीटर डायमीटर लोकेटेड, टेंशन 8, नंबर इज 8 नंबर ऑफ टेंशन वायर्स जिसका डायमीटर है तुम्हारा 7 मिलीमीटर करके, 100 ई है 100 एमएम फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, ओके नॉट सॉफिट ऑफ द बीम, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे से तुम्हारा अगर ये क्रॉस सेक्शन है दैट इज 300, तो ये है 150, सॉफिट से जहाँ पे है दैट इज जहाँ पे तुम्हारा 7
वायर्स लगा हुआ है, तो वो लोकेशन कितना है, दैट इज 100। सो ई कितना होगा, न्यूट्रल एक्सिस से वो स्टील का जो डिस्टेंस, दैट इज 150, दैट इज 300/2, दैट इज द डेप्थ बाई 2, माइनस तुम्हारा सॉफ्ट मतलब तुम्हारा जो बेस है, बेस ऑफ द पेपर, उनका बेस से कितना डिस्टेंस में है, 100 mm, हो गया तुम्हारा इसेंट्रिसिटी, हो गया 50। एंड तुम्हारा ओके, एंड वायर्स आर टेंशन टू ए स्ट्रेस ऑफ 1100 newton per millimeter। द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 8 नंबर, 8 नंबर्स ऑफ वायर्स है, उसके बाद डायमीटर है 5 × 7² / 4, तो ये तुम्हारा एरिया हो गया एक छोटा छोटा क्रॉस सेक्शन का हर स्टील का, मल्टीप्लाइड बाय एक एक क्रॉस पर मिलीमीटर स्क्वायर कितना है, इतना करके फोर्स दे रहा है। व्हाट विल बी द प्री फोर्स, दिस इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो तुम्हारा वायर का, मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिल गई, क्योंकि सिंगल वायर के ऊपर कितना लोड आ रहा है, कितना लोड दे रहा है, प्री स्ट्रेसिंग लोड, और वो 8 नंबर है, तो 8 मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आ रहा है, 8 × π 7² × 1100 / 4। ठीक है, तो तुम्हारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 338.66 kN, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। हम लोग को एक्चुअली क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, टोटल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। फर्स्ट हम लोग मॉड्यूलस रेशियो निकाला, उसके बाद हम लोग को स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्ट्रेस का फॉर्मूलेशन, रिमेंबर पी बाय ए प्लस माइनस पी टू बी बाय से, या फिर पी बाय ए प्लस माइनस पी टू बी वाई बाय आई, है ना। यस सर, तो हम लोग नीचे जा रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रेशन आएगा, तो बोथ विल बी पॉजिटिव, ये भी हो सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ सेक्शन मॉडुलस यू कैन राइट आई बाई वाई, तो ये है, तो योर फ्रिक्शन, तो एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्ट्रेस और एक हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, दोनों मिला के स्ट्रेस आ जाएगा, है ना, पी बाई ए पी इंटू ई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे P का वैल्यू है 338.66 kN, A का वैल्यू है तुम्हारा 150 × 300 = 45 E equal to 50 mm, I equal to कितना होगा BDQ/12, तो ये B मतलब है 150 × 300³/12, दिस इज द मोमेंट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द मतलब तुम्हारा जो सेंट्रल एक्सिस जो है, सेंट्रल एक्सिस की तरफ 150 × 300³/12 कितना हो रहा है,
मिलीमीटर टू द पावर फोर। एंड वाई क्या होगा? अगर जेड टी होता है तो हम लोग लिख सकते आई बाई वाई टी, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से तुम्हारा जो टॉप फाइबर का डिस्टेंस कितना है ना। और जेड बी होता है तो हम लोग लिखते हैं तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे का जो बॉटम फाइबर का डिस्टेंस कितना है ना। और ये जो अभी का जो वाई है हम लोगों को चाहिए स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, जहां पर है तुम्हारा प्रीस्ट्रेसिंग स्टील कहां पर है? प्रीस्ट्रेसिंग स्टील न्यूट्रल एक्सिस से कितना दूर में है? दैट इज ई, इज नथिंग बट वाई इन दिस केस, दैट इज 15। हमारा प्रीस्ट्रेसिंग स्टील इसमें है न्यूट्रल एक्सिस से, सो दैट विल बी योर यू। इस लोकेशन में हम लोगों को स्ट्रेस निकालना है। डायरेक्ट स्ट्रेस तो चेंज नहीं हो रहा है, बट सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस चेंज हो रहा है। बेंडिंग स्ट्रेस इस लोकेशन में भी डाल कैलकुलेट कर सकते हो, दैट विल बी जेड बी। और इस लोकेशन में मतलब वाई टी वाई बी, और इस लोकेशन में वाई वाई टी। और ये जो प्रीस्ट्रेसिंग लेवल में तुम अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो दैट विल बी सम वाई, which is in this case it is 50 millimeter, ठीक है ना? ये समझ में है? तो हम लोग bending stress calculate कर रहे हैं at the location of pre-stressing steel। तो concrete में उस location में क्या stress है? ठीक है? इसमें कोई किसी को कोई question है पूछ लो एक बार। ना सर ठीक है। So what will be the value? P का value है तुम्हारा 338.66, area is 45000, 338.66, that is 50 into 50 divided by tumhara hai 337.5 to the power 6 millimeter to the power, so that is the units. हेलो सर। हाँ यस बोलो सर। वही ई इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 50 टेक की भावे आस्ते आगे बोल दें। ये मतलब क्या है? इसेंट्रिसिटी है ना, मतलब यस सर। एक्सिस से प्रीस्ट्रेसिंग स्टील का तो वही ई है, बट इन दिस केस व्हाट विल बी द वाई? वाई मतलब तुम जिस लोकेशन में स्ट्रेस चाहिए वो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी लोकेशन में बेंडिंग स्ट्रेस का 0.07। तो बेंडिंग स्ट्रेस तुम जहां पर भी लोकेशन चाहिए, इट मे बी एट द लोकेशन एट बॉटम, एट द लोकेशन ऑफ टॉप, या फिर प्रीस्ट्रेसिंग स्टील, तो उसके हिसाब से बेंडिंग स्ट्रेस एट द लोकेशन ऑफ क्या लिखा है, एट द लेवल ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस से प्रीस्ट्रेसिंग स्टील का डिस्टेंस कितना है? हमारा दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ये अगर तुम बीम देख लो, ये अगर बीम हो जाए बड़ा, ये तुम्हारा, ये नीचे तुम्हारा प्रीस्ट्रेसिंग स्टील है। ये न्यूट्रल एक्सिस से दिस इज योर एनए, एनए ऐसे नहीं ऐसे उस तरफ लिखना सही है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस से इस पॉइंट को वैल्यू कितना है? तो न्यूट्रल एक्सिस से व्हिच इज नथिंग बट 50 mm, व्हिच इज नथिंग बट योर इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू सेम E and Y, दोनों both are same value, ठीक है? Yes sir. In this case, हम लोग जो Y जहाँ पे चाहिए उसके साथ, इसका value आ रहा है कितना लिखा? 0.077 kilonewton per millimeter square. ना सर, इटा उससे ऊपर है 338 into 10³ होगा kilonewton है। हाँ. तो सर आंसर होगा 10.03 newton per millimeter square. 10.03 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 10.03 न्यूटन, तो दिस इज योर मतलब स्ट्रेस वैल्यू आ गया। तो तुम्हारा लॉस कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द लॉस इन दिस स्ट्रेस? विल लॉस इस मॉड्यूलर रेशियो या फिर अल्फा इनटू एप्सिलॉन व्हिच इज 6.67।
66.9 तुम टेंशन किया, तुमको इसमें परसेंटेज लॉस निकालना है, तो तुम टेंशन दिया था 1100 का, तो उसमें से 669 ये मतलब लॉस हो जा रहा है, सो व्हाट इज द परसेंटेज हो जाएगा? ठीक है, हम लोग पहले तो ये फॉर्मुलेशन किया था लॉस इन स्ट्रेस मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द एफसी। एफसी इज नथिंग बट द प्री स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, राइट? प्री स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। इट्स नॉट स्ट्रेस, दैट इज प्री स्ट्रेस, दैट इज pre-stress in concrete at the level of pre-stress in steel or here steel. Steel नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको calculate different well. Steel का distribution जैसे होगा उस location के हिसाब से आपको calculate the different value of FC और उसके हिसाब से percentage भी calculate कर सकते हैं. Your y will be different for different cases. Your y will be different. अगर steel pre-stress in steel का नीचे तीन wire है, ऊपर दो wire है, तो नीचे का तीन वायर के लिए एक होगा, दो वायर के लिए स्ट्रेस अलग होगा, तो दोनों का अलग से तुमको स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, उससे लॉस प्री स्ट्रेस का लॉस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया ना? एक यस सर। Now a post tension concrete beam 100 mm wide, okay, same 100 is pre-stressed by three tables, each with a cross section area of area small a less with an initial stress of स्ट्रेस है 12 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर करके लेस, तो अपने हिसाब से लिख सकता है, फॉलो करने की जरूरत है। ऑल द थ्री केबल्स आर स्ट्रेट, ओके, एंड लोकेटेड 100 मिलीमीटर फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, ओके, थोड़ा मतलब ओके, तो ई का वैल्यू होगा देन 50 मिलीमीटर। इफ द मॉड्यूलर रेशियो इज 6, calculate the loss of stress in the three cables due to elastic deformation of concrete for only the following cases. So this is याद रखना post tension concrete है. Last time just pre tension concrete. This is post tension. Post tension में अगर simultaneous tensioning हुआ तो there will be no loss in pre stress due to simultaneous tensioning and anchoring of all the three cables.
दिस इज द केस वन। केस वन में तुम अगर साइमल्टेनियसली एक साथ सब कर रहे हो तो किसी के साथ किसी का मतलब, क्योंकि आफ्टर कंक्रीट सेट होने के बाद तुम पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हो, टेंशनिंग कर रहे हो, सो उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा कोई भी केबल में। अगर सक्सेसिवली कर रहे हो तो वो एक एक टेंशन, एक मतलब पहली केबल जैसे मैं बोला केबल वन को अगर कर रहे, जैसे तीन केबल है, केबल वन, केबल टू, केबल थ्री, तो फर्स्ट केबल वन को तुम स्ट्रेस किया, होने के बाद केबल टू को स्ट्रेस कर दो, मतलब टेंशनिंग कर रहे, तो केबल वन को करने के बाद केबल टू में जब भी तुम टेंशनिंग कर रहे हो तो केबल टू के वजह से केबल वन में कुछ स्ट्रेस लॉस होगा, जब भी केबल थ्री कर रहे हो तो केबल थ्री के वजह से केबल टू एंड केबल वन में स्ट्रेस लॉस होगा। तो वन एट ए टाइम, क्योंकि तुम जब भी इलास्टिक, जब भी एक एक पहली बार फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो देयर विल बी नो लॉस, मतलब जो साइमल्टेनियस का जो बात है। सेकेंड टाइम जब भी कर रहे हो तो जब भी उसको डिफॉर्म, मतलब कंक्रीट के डिफॉर्म, इलास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है सेकेंड को, उसके वजह से नेक्स्ट का जो मतलब पहले का जो तुम्हारा लेंथ था कंक्रीट का, वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, वो स्ट्रेन केबल वन में स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो लॉस हो जाएगा स्ट्रेस का। ठीक है, अभी केबल थ्री को जब भी तुम प्री टेंशनिंग, सॉरी पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हो, तो उसके वजह से टू एंड थ्री में भी स्ट्रेन आएगा, केबल टू केबल वन दोनों में स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन का मतलब है उसमें स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज द लॉस, मतलब जो जो चेंज इन स्ट्रेस है वही तुम्हारा लॉस हो गया, तुम्हारा वो प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, तो सक्सेसिव टेंशनिंग में तुम्हारा लॉस हो रहा है, नॉट साइमल्टेनियस, एक के बाद एक चैप्टर। सो व्हाट इज एक्चुअली दिस, फॉर बी कैलकुलेशन के बी के लिए यू नीड द वैल्यू ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, दैट इज तुम्हारा थ्री, दैट इज एन, मतलब नंबर ऑफ तीन केबल है, तीन केबल हर का एरिया 5 मिलीमीटर स्क्वायर करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया 50 मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी, और इनिशियल स्ट्रेस है इतना न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर करते हैं, हो गया तुम्हारा 61 है ना। सो 180 किलोन्यूटन है, 180 × 10³ किलोन्यूटन। सो ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हो गया, एरिया हो गया तुम्हारा B × T, दैट इज 100 × 300, दैट इज योर 30 × 10³ मिलीमीटर स्क्वायर। ई का वैल्यू पहले से पता है, दैट इज 50 मिलीमीटर। व्हिच इज सेम थिंग एज वाई, वाई का वैल्यू भी 50 mm, व्हिच इज नथिंग बट ई, उस लोकेशन में तुमको स्ट्रेस निकालना है। एंड आई का वैल्यू हो जाएगा 100 × 300³/12, तो तुम्हारा स्ट्रेस कितना आएगा, स्ट्रेस आएगा 180 × 10³ डिवाइडेड बाय 30 × 10³ प्लस, क्योंकि सॉफिट में योर पी मतलब 180 × 10³ मल्टीप्लाई बाय 50 का स्क्वायर, 50 × 50 × y डिवाइडेड बाय 225 × 10⁶, 26 प्लस
देखो कहीं पे गलत हो रहा है कि नहीं। ঠিক আছে স্যার। सो दिस इज 8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अभी क्या हुआ, अभी हम लोग को हर इंडिविजुअल केबल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है तुम्हारा केबल वन में जब स्ट्रेस कर रहे, नो लॉस। केबल टू में हम लोग जब टेंशनिंग कर रहे, लॉस होगा, लॉस हो जाएगा इन केबल, लॉस इन केबल वन। टू को जब टेंशनिंग कर रहे पोस्ट टेंशनिंग, तब केबल वन में लॉस आएगा, क्योंकि केबल वन ऑलरेडी तुम लगा चुके हो, उसके बाद टू को कर रहे हो, तो टू को वजह से वन में लॉस आएगा, विच इज नथिंग बट 6 × 8 इज 48। नाउ केबल थ्री में टेंशनिंग कर रहा, लॉस हो जाएगा, लॉस इन केबल वन अगेन 48 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड लॉस इन सेम केबल टू ऑल्सो 48 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो टोटल लॉस, तो लॉस इन केबल वन कितना होगा, 48 + 48 = 96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टू की वजह से वन में आया 48, थ्री की वजह से केबल वन में फिर से आया वन, तो 48 + 48 + 0 सो 96। केबल टू में कितना आएगा, सिर्फ 48, और केबल थ्री में 0। ये समझ में आया, यस सर। ओके, सो टोटल लॉस हो गया तुम्हारा 46 केबल वन में, केबल टू में 48, केबल थ्री में 0। देयर इज अ कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सो योर रिवरेज लॉस यू कैन कैलकुलेट एज 96 + 48 + 0 divided by 3, average loss होगा 48 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एवरेज लॉस हो गया सब तीनों का, हम लोग डिविजन किया, ठीक है, 96 48 + 0 by 3। तो ये समझ में आया, यस सर। देयर इज अनदर मेथड जो हम लोग, सो इट कैन बी शोन कि इफ नंबर्स ऑफ वायर बार सेंस अ लार्ज, मतलब बहुत, जैसे इसमें तीन है ना, अगर बहुत ज्यादा हो गए नंबर, देन द लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो यू कैन कैलकुलेट एज हाफ ऑफ, अब तो मतलब जितना बढ़ता जाएगा क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा लोड, तो वो उसको अगर तुम ऐड अप करोगे तो एक बड़ा सीरीज आएगा, उसका वैल्यू यू कैन पुट इट एज हाफ इंटू मॉड्यूलर रेशियो इंटू समेशन ऑफ ऑल द स्ट्रेसेस, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील,
due to the effect of all cables simultaneously tension. थ्री केबल में टोटल कितना आएगा 48 + 48 + 48 है, अगर ज्यादा है तो उस केस में it should not, it does not exceed, मतलब एक तुम्हारा जो भी वैल्यू दोगे दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, दैट यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है. सो मैक्सिमम लॉस ऑफ स्ट्रेस यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूला, सो हाफ इनटू 6 इनटू 3 इनटू 48 मतलब 48 + 48 + 48 तो इसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इंडिविजुअली मतलब निकालना पड़ेगा हम लोग हर एक केबल में इंडिविजुअल केबल में, तो वो गलत हो गया. जैसे हम लोग जो वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं 3 माइनस हो जाएगा 3 इसमें डिवाइडेड बाय 3 18 नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल क्योंकि हम लोग 3 इनटू किया ना, तो इट विल बी करेक्ट.32.7 16.2 16.2 16.2 16.2 32.4 ये हो जाएगा 16.2. ठीक है, इंडिविजुअल केबल में कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, क्योंकि हम लोग
हर एक एक को सक्सेसिवली टेंशन कर रहे, तो अलग से निकालना पड़ेगा कि हम लोग ने जैसे तीन एक साथ कर दिया, दैट विल बी जो एक्चुअली लास्ट केस में है, सो इट विल बी 16.2, तो 32.4 दिस इज 16.20, सो इट विल बी 16.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लॉस। अरे लास्ट में आ जाएगा दिस इज 16.2, देखो ये समझ में आया या फिर कंफ्यूजन हो गया? फर्स्ट वाला समझ में आया, प्री टेंशन? पोस्ट सर टेंशनिंग में क्या हो, साइमल्टेनियस करने से तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा पोस्ट टेंशनिंग में, बट सक्सेसिवली करने से क्या होगा, जब भी एक के बाद दूसरा कर रहे हो केबल वन टू केबल थ्री, तो केबल वन के बाद भी जब दूसरा कर रहे हो मतलब केबल टू कर रहे हो, तो केबल टू के वजह से केबल वन में स्ट्रेन आ जाएगा। That will create the stress, the tension in cable. उसके वजह से केबल टू और वन जो तुम ऑलरेडी उसमें मतलब कॉन्क्रीट में डाल चुके हो उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन की वजह से केबल टू एंड वन, तो इसलिए केबल वन को जब स्ट्रेसिंग टेंशनिंग करो देयर विल बी नो लॉस, केबल टू में जब टेंशनिंग करो देयर विल बी लॉस इन केबल वन, केबल थ्री में जब कर रहे हो तो केबल टू एंड वन में आएगा सेम करके, मतलब सेम वैल्यू लॉस सेम हो रहा है, तो एक्यूमुलेट होके केबल वन में तुम्हारा कितना एक्यूमुलेट हुआ 16.2, उसके बाद फिर से थ्री के लिए और एक 16.2, सो दैट इज 32.4, और केबल थ्री के वजह से केबल टू में 16.2, सो इट इज ऑनली 16.2, और केबल थ्री में जीरो, तो एवरेज हम लोगों को कैलकुलेशन करके आया 16.2। अगर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ये ज़्यादा है तो तुम अगर एक कैलकुलेट करके दिखाया जा सकते कि मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ मॉड्यूलर रेशियो इन टू द समेशन ऑफ ऑल द, अगर जो भी प्री स्ट्रेसिंग टोटल जो फोर्स स्ट्रेसेस है, तीन है तो तीन के लिए तीन आएगा, चार है तो चार, पाँच है तो पाँच, तो जितना नंबर बढ़ेगा सो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम लॉस ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज यू कैन सी हियर बट डज नॉट एक्सीड, तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है इफ नंबर ऑफ मतलब टेंशनिंग बहुत ज़्यादा है और तुम सक्सेसिवली करते जा रहे हो एक के बाद एक के बाद, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है कि गेट मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है लॉस, दैट यू कैन इंक्लूड इन टू द एक्चुअल तुम्हारा, जैसे इसमें इनिशियल स्ट्रेस दिया हो 1200 और तुम्हारा मैक्सिमम आ सकते 145 का लॉस आ सकता है, तो तुम ये दोनों को ऐड करके हो जाएगा 1345.8, तो इतना स्ट्रेस अगर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो 145 का जो लॉस होगा दैट विल बी, तो इफेक्टिव वैल्यू तुम्हारा 1200 रहेगा, इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग तब 1200 रहेगा, अगर तुम इफ यू एडिंग यू आर इफ यू आर अप्लाइंग स्ट्रेस एज 1345.8, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो, एक ड्राइंग दिखाने से, जैसे इसमें जैसे हम लोग स्ट्रेट केबल देख सकते हो, तीन केबल है, ये तो कार्ब केबल्स है, स्ट्रेट केबल होने से यू कैन सी केबल वन को पहले स्ट्रेस किया गया, केबल टू को नेक्स्ट, केबल थ्री को नेक्स्ट, तो केबल वन के वजह से देर क्योंकि केबल वन जब तुम डाल रहे हो तो टू एंड थ्री तो नहीं है, तो उसमें कोई लॉस का बात नहीं है, उसके बाद टू में जब तुम स्ट्रेस कर रहे हो उसके वजह से वन वन में स्ट्रेन मतलब तुम्हारा स्ट्रेन आएगा, जब थ्री में कर रहे हो थ्री के वजह से टू एंड वन में लॉस आएगा, सो दैट वही हम लोग जो इसमें जो स्ट्रेट केबल के बारे में देखा है ना, अगर केबल जैसे हम लोग अभी देखेंगे कि अगर कार्ड हुआ तो क्या होगा ना, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, दिस फॉर पोस्ट टेंशनिंग, दिस इज फॉर प्री टेंशन, ठीक है।
इसी तो कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो।